फेस का ख्याल रखना मेडिटेशन करने के बराबर है, है कि नहीं? एनीवेज, इस फेशियल को करने से पहले जो स्पेशली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए है, प्लस ऑल्सो आपके एक्ने के लिए है, सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से इस तरह से जूड़े में बांध लें सो दैट आपके फेस पे बाल आए ना और ख़राब भी ना हुए। फिर एक हेयर बैंड का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेयर बैंड चलेगा जो आपके घर पे पड़ा हो। अब मैं इन मेकअप वाइप्स का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मेरे फेस पे मेकअप था जिससे डस्ट और ये सब निकाल सकूँ। प्लीज़ कंजूसगिरी मत करिएगा, ये मेकअप वाइप्स जो हैं इतने महंगे भी नहीं आते हैं। यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज, दे आर वर्थ इन्वेस्टिंग। सो मेरा मस्कारा तो अपेरेंटली निकल चुका है। डीप क्लेंजिंग के लिए डॉक्टर बत्रा का ये नेचुरल क्लेंजिंग मिल्क है दैट आई एम यूजिंग बिकॉज आई हैव यूज्ड इट वंस और मुझे अच्छा लगा। If you want, आप कोई दूसरा क्लेंजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। क्लेंजिंग मिल्क का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि ये पोर्स को डीपली क्लेंज करता है। फिर एक कॉटन पैड के इस्तेमाल से आप सारी गंदगी निकालेंगे इस तरह। दैट इज़ वन ऑफ द मेन reasons कि मैं कॉटन पैड इस्तेमाल कर रही हूँ। प्लीज़ कंजूसी करके वॉशरूम में जाके फेस धो मत लेना, इस तरह से कॉटन पैड्स यूज़ करना। परफेक्ट। अब जब आपने कॉटन पैड्स इस्तेमाल कर लिए, आपका काम हो चुका है। अब हम फेशियल स्क्रब यूज़ करेंगे। आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं बट मेक श्योर ऐसा स्क्रब हो जिसे एक्ने ना आए। प्लीज़ अवॉइड यूजिंग वॉलनट स्क्रब बिकॉज उसके अंदर के जो कण होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। नाउ पीस ऑफ एडवाइस, अगर स्क्रब अच्छे से फेस पे ना फैल रहा हो सो यू कैन यूज़ अ लिटल वाटर और उससे स्क्रब अच्छे से फेस पे फैलने लग जाएगा और फिर अच्छी तरह से अपने फेस को स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो डेड स्किन हटाता है। नाउ डोंट वरी अबाउट योर एक्टिव एक्ने, अगर एक्टिव एक्ने है सो ट्राई टू अवॉइड स्क्रबिंग दैट पार्ट अ लिटल बिट, बट वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स के लिए दिस इज अ मस्ट। सो अच्छी तरह से स्क्रब करना है, स्क्रब एटलीस्ट फॉर 60 seconds, that is 1 minute. It is like a compulsion. Dead skin ko achhi tarah se nikalna hai. See, I'm using it on my eyes also. If you are sensitive, probably you shouldn't. But main to kar hi leti hu. Then, aisa ek pad aata hai. It's like a sponge. इसको यूज़ करके ही फेस साफ करना है। द रीज़न बीइंग जो स्क्रब के अंदर की क्रीम होती है दैट नीड्स टू गो इनसाइड द पोर्स एंड हेल्प यू, और उसके ऊपर के जो कण हैं दैट इज़ अ ओनली थिंग जो मैं चाहती हूँ कि मेरे फेस से चला जाए। इसके लिए थोड़े पैसे अगर आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें, एंड यू कैन बाय अ लिटिल बिट ऑफ दीज थिंग्स, दे विल ऑब्वियसली हेल्प यू फॉर एटलीस्ट अ गुड 1 ईयर। मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टीम। स्टीम लिए बिना आपका फेशियल कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। सो ऑफ कोर्स घर पे बैठे बैठे स्टीम ले लीजिए। अनदर हैक, इफ़ यू रियली वांट द स्टीम टू वर्क वेरी गुड, यू कैन यूज़ वाटर ऑन योर फेस एंड देन डू द स्टीम। इससे स्टीम अच्छी तरह से पोर्स खोलेगी। दिस इज स्क्रबिंग टाइम नंबर 2। पोर्स के खुलने के बाद, स्टीम लेने के बाद सेकेंड टाइम वापस स्क्रब करना है। ये स्क्रब अच्छी तरह से आपके पोर्स के अंदर जाके जो अंदर का डेड स्किन, डर्ट या वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जो डीप टिश्यूज के अंदर स्टक है उनको निकालेगा। एक्स्ट्रा काम के लिए इस ब्रश का यूज़ करेंगे। मेक श्योर यू यूज़ अ वेरी सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश एंड हार्ड ब्रिसल ब्रश का यूज़ नहीं करना है। पिंपल्स पे यूज़ नहीं करना है ब्रश को। यूज़ इट ओनली एंड ओनली वेयर यू हैव ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। ऐसे टाइप का बॉटल लेके यू कैन स्टोर द ब्रश फॉर नेक्स्ट टाइम्स यूज़। अगेन आई एम जस्ट वाइपिंग इट ऑफ एंड देखो मैं धो रही नहीं हूँ। Now, okay, this is very important. Please invest थोड़ा पैसा in tissue papers. Usually जब हम towel को बार बार use करते हैं तो वो dirt जो towel में होता है वो वापस हमारे face पर जाता है। That is one of the main reasons why we have white heads and black heads. टिश्यू पेपर पे इन्वेस्ट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपके स्किन केयर में इफ़ यू वुड एक्चुअली पुट सम मनी इन टू टिश्यू पेपर। नाउ दिस इज द मेनेस्ट ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स, इट्स कॉल्ड विच हेजल। आई एम यूजिंग दिस लाइक अ टोनर बट ट्रस्ट मी, ये आपके पोर्स को वापस क्लोज करता है, हेल्प्स यू विद एक्ने, फेयरनेस, टैनिंग,
एनीथिंग एंड एवरीथिंग. थोड़ा ड्राई होने के बाद नाउ आई एम गोना यूज द फेस पैक. ये वाडी का फेस पैक है. इट्स चंदन, केसर, हल्दी एंड ऑल ऑफ दैट नेचुरल. सो आई एम डेफिनेटली गोना बी यूजिंग इट. दिस हैज़ बीन रियली गुड टू मी ऑन माई स्किन. सो मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है. And yeah, so I'm just applying it all over my face and I'm going to wait till the time it dries. So it's dried off and I'm done. For the end, of course, because all of you know already that I have marks which are left behind because of acne, I am applying my glycolic acid 12% cream all over my face, and especially more in the space where I have acne and my acne marks. So I'm done. Now I'm going to sleep. Bye-bye.